जो मेरी उंगली दिख रही है आपको, यहाँ पे आगे जाके सारा एयरपोर्ट बन रहा है, और मैं आपको जहां जमीन दिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यूज ब्लॉग इमरान बीके। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया जगह और बहुत ही सस्ती जमीन लेकर आया हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है अपने ही जेवर से। और इस टाइम पे मैं नवेडा के एक्सप्रेस वे पे खड़ा हुआ हूँ, वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे जमीन है जेवर में, और बहुत ही सस्ती और बहुत किफायती रेट में जमीन मिल रही है, और पक्की रजिस्ट्री के साथ। मैं देर नहीं करता हूँ, आपको जमीन पे लेके चलता हूँ और पूरी जमीन ए टू जेड दिखाता हूँ जेवर में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों देख सकते हैं ये जेवर मार्केट है, और पूरी मार्केट भरी हुई मार्केट है। आप यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है, पूरी फैसिलिटी है। देख सकते हैं दोस्तों ये चौक है जेवर सिटी का, सब कुछ घनी आबादी है दोस्तों जेवर में, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज की सुविधा है इस मार्केट में, हर चीज ले सकते हो, बैंक, ज्वेलर्स, खाने पीने की मार्केट, हार्डवेयर, सब चीज की सुविधा है इस मार्केट। और इस मार्केट के बिल्कुल ही नजदीक में जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है वो आ रही है। अभी तक ये देख सकते हैं हॉस्पिटल, जेवर में हॉस्पिटल बना हुआ है इतना बड़ा, देखते हैं चौराहा आ गया है, और ये बस स्टैंड भी बना हुआ है, यहाँ पे बसें भी चलती हैं, यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी चलते हैं, सारी चीज़ की सुविधा है, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी, हर चीज़ की सुविधा है। और मार्केट छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी मार्केट है, और स्कूल भी हैं सारे, सरकारी स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, सब कुछ सुविधा है यहाँ पे, हर चीज़ की सुविधा है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। ये रहा कितना बड़ा हॉस्पिटल जेवर में, कैलाश हॉस्पिटल। देखते हैं दोस्तों मैं जेवर सिटी पहुंच चुका हूं, और आप देख सकते हैं यहां पे काफ़ी लोग ज़मीन लेने भी आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं जितनी आपकी निगाह जा रही है कि सारी ज़मीन इसमें कई हद तक बिक चुकी है, और कई हद तक ज़मीन बिक रही है, और ये सिर्फ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में है। और ये देख सकते हैं ये अपना पूरा, आज यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, और ये काफ़ी भीड़ है, कई लोग प्लॉट लेने आए हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं जहाँ तक मेरी उंगली जा रही है पूरी पूरी ये ज़मीन अब बिक रही है, और यहाँ से लेके वहाँ तक। और देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी क्लाइंट आए हुए हैं, और दिवाली ऑफर भी चल रहा है, और इस टाइम पे काफ़ी लोग मकान लेने आए हुए हैं, ज़मीन लेने आए हुए हैं, और मैं आसपास की सारी आपको लोकेशन दिखा दूंगा। ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये मेन रोड जा रहा है, और उस साइड देख सकते हैं ये पूरी प्रॉपर्टी कई हद तक बिक चुकी है, उसके आगे ज़मीन मिल रही है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे ये ज़मीन है, और काफ़ी किफ़ायती रेट में और काफ़ी सस्ती मिल रही है। अभी लेके डालोगे तो आने वाले बच्चों के काम में आएगी। चलिए दोस्तों और भी डिटेल आपको मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की बताऊंगा, और हमारे कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनसे पूरी डिटेल पूछ के बताऊंगा। ये हमारी ज़मीन जो है गोपालगढ़ में पड़ती है जी, और सामने आप देख रहे हैं कैलाश हॉस्पिटल है जी, पब्लिक स्कूल है जी, यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, सामने शिव मंदिर है, हाईवे चल रहा है आपका जी, और हमारी जो भी एंट्री होगी गेट से एंट्री होगी। अच्छा, गेटेड सोसाइटी है हमारी, ठीक है। डेवलप का काम आप देख रहे होंगे, डिमार्केशन चल रहा है प्लॉट साइज बाय साइज। आज संडे है, आज हम विजिट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और तो जमीन किस हिसाब से है, 50 गज 100 गज किस रेट में? छोटा प्लॉट 50 गज है, आप उसे जितना मर्जी ले सकते हैं। अच्छा, क्या रेट चल रहा है? 11,500 से स्टार्टिंग है, 14,500 रुपए तक का रेट। कॉर्नर और एल साइज का प्लॉट का रेट अलग होता है। और गली क्या? मेन गली हमारी 35 फुट है, 35 फुट से कनेक्टिविटी 25 की है, 25 से कनेक्टिविटी जो 20 फुट की। अच्छा, तो ये अपना जेवर एयरपोर्ट से सुनने में आया, एयरपोर्ट कितनी नजदीक में? ये 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि 3.5 किलोमीटर दायरे में नोटिफाइड एरिया है, ना कोई जमीन खरीद सकता है ना बेच सकता है। अच्छा अच्छा, हमारी साइड 8.5 किलोमीटर दूर है। ये जमीन कौन सी कैसी है? ये जमीन आपके आवासीय दर्ज है, आपके रजिस्ट्री पर बकायदा लिखा हुआ आएगा आवासीय प्रयोजन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कब कितनी जमीन बिक चुकी है यहाँ पे लगभग अंदाजा? अभी हमारे पास ये 40% सेल आउट हो चुका है जी, और जी। ये चौथा हफ्ता है हमारा जी जी, और बाकी सेल चल रही है, आप देख रहे होंगे कि बहुत काफी लोग आए हैं, मैं देख रहा हूँ जी जी जी। चलिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप देखेंगे जो एयरपोर्ट है एशिया का पहला, वर्ल्ड का चौथा एयरपोर्ट है जी, कार्गो लॉजिस्टिक प्लस रिपेयर सेंटर है। अच्छा अच्छा, आने वाले दिनों में यहाँ पर इतनी गैदरिंग हो जाएगी जी, जो प्लॉट आज आपको जमीन ये खाली खाली दिख रहा है जी, ये यहाँ पे जमीन ही नहीं होंगी, जमीन नहीं होगी, ये बात ठीक है बिल्कुल ही, लेकिन ये है टाइम लगेगा इसका 2 से 3 साल बाद।
दो से तीन साल बाद। हमारी फिल्म सिटी है, हमारी साइड से 13 किलोमीटर दूर पर फिल्म सिटी है। अच्छा। जो कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा। एक शहर बस रहा टप्पल बाजना अर्बन सिटी। अच्छा। जो 15 लाख एम्प्लॉय क्रिएट होंगे आने वाले दिनों में, 2031 तक का मास्टर प्लान है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे क्या देना होगा, मतलब अगर आप कोई जमीन लेता है आपसे, अगर कोई नंबर आपका कोई प्लॉट पसंद आता है तो आपको कराना होगा टोकन। अच्छा, टोकन 5100 रुपए से आप उसके टोकन करा लीजिए। अच्छा। और 4 दिन का कंपनी टाइम देती है, आप खसरा खतौनी घाटा नंबर लेके चेक कर लीजिए। ठीक है। 4 दिन के अंदर आपको 30% देना होगा। अच्छा। 30% दे देंगे, कंपनी आपको पैमाइश कराए कब्जा दे देगी, किस्तें चालू हो जाएंगी, किस्तों पर कोई ब्याज नहीं है। तो किस्तें कितने? 30 महीने की किस्त है। 30 महीने की किस्त। एक दो किस्त लैप्स हो जाएगी तभी कंपनी कहती लाग उस पे दे जाओ, उसमें भी कोई चार्ज नहीं लगता। अच्छा अच्छा। 40% जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी आपको कंपनी रजिस्ट्री करा देगी। और आपको ओरिजिनल रजिस्ट्री आपको दे देगी। तो लमसम सबसे छोटा प्लॉट 50 गज का है और लमसम 5 से 5.5-6 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, 6 लाख रुपए का पड़ जाएगा। ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरी डिटेल बताई। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ, घनी आबादी के बिल्कुल बीचों बीच ये ज़मीन आ रही है और मैंने सर से पूरी डिटेल ले ली है, आप संतुष्ट हो गए होंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये जेवर सिटी का नक्शा है पूरा, और मैं आपको दिखा देता हूँ नक्शे के हिसाब से भी आप पूरी ज़मीन मिलेगी आपको। ये पूरा नक्शा है ज़मीन का, ये देख सकते हैं, पूरा मेन रोड आ रहा है एंट्री का यहाँ से। ये कुछ भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें डिटेल पूरी दे रखी है नक्शे में। और आपको मैंने पूरी डिटेल, हमारे यहाँ पे सीनियर आए हुए थे तो सीनियर से मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, ज़मीन किस रेट में मिल रही है, ज़मीन क्या भाव है, इसके आसपास में क्या मिल, क्या चीज़ है, क्या बन रहा है इसके आसपास में, 2-4 साल बाद ये ज़मीन का क्या भाव होगा और किस तरीके की इस एरिया की पोजीशन होगी, तो वो आपको सारी बता दी है। और मात्र बहुत ही सस्ती ज़मीन मिल रही है, बहुत सस्ती, आप देख सकते हैं 5100 रुपये दीजिए आप और अपना क्या नाम है टोकन मनी करा लीजिए, 4-5 दिन की छूट मिल जाती है सोचने समझने के लिए। और इसमें भी ये नहीं है, आप पूरे के पूरे सारे कागज़ चेक करें अच्छे से तसल्ली से, 4-5 दिन इसलिए दिए जाते हैं टोकन मनी दे के कि वो आप अपने यहाँ की ज़मीन के कागज़ चेक कर लें। जो जो कोई आप बहुत से लोग क्या करते हैं, वही ज़मीन दिखा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, वो फ्रॉड ज़मीन होती है। आप यहाँ पे पहले ऐसे तसल्ली से आप टोकन मनी दीजिए, टोकन मनी कराने के बाद आप यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाइए अपने वकील से, वकील चेक कराने के बाद फिर उसके बाद ज़मीन लीजिए आप। और 11 से 11.5 हज़ार रुपये के रेट चल रहे हैं। एल का प्लॉट लोगे आप थोड़ा सा महंगा मिलेगा, सर ने आपको बताया है डिटेल में भी। और बाकी 11 साढ़े 11 वही चीज़ है, 50 गज का प्लॉट मात्र 5 से 6 लाख रुपए में आपको यहाँ मिल जाएगा। वही मैं चीज़ कहता हूँ बार बार, अगर आप भी ज़मीन ले लोगे तो आपके बच्चों के काम आएगी, क्योंकि बहुत सी आपकी कॉलोनी देखी होंगी, आपके भी पता होगा कि बहुत सी कॉलोनी में लोग कहते हैं अरे यार यहाँ तो जंगल है, क्या कुछ क्या बसेगा, कुछ नहीं बसेगा यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़ है, 10 साल बाद 5 साल बाद वहाँ पे इतनी आबादी हो गई, इतने रेड हो गए तो लोग पछताते हैं। तो वही मौका आज यहाँ पे मिल रहा है आपको, क्या नाम है, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे, फिल्म सिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो आने वाले 5-7 साल में यहाँ पे भी वही हाल होगा जो और कॉलोनी का हाल हो गया है। क्या है, आज इतना डेवलप हो गया है, 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये कॉलोनियों में गज के रेट हो गए हैं। तो वही हिसाब है, आज यहाँ 10-11 हज़ार रुपये मिल रही है तो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे यार, क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आने वाले 4-5 साल में हो सकता है फिर यहाँ पे कुछ भी ना दिखे, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखें और बड़े बड़े फ्लैट और बड़े बड़े मॉल दिखे यहाँ पे आने वाले टाइम में, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है सारी सुविधा आने आनी है यहाँ पे। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारी आसपास की लोकेशन दिखा दी है और सब कुछ दिखा दिया है और सर से पूरी डिटेल बता दी है, आपको नक्शा दिखा दिया है और पूरी A to Z ज़मीन दिखा दी है। और ज़्यादा देर ना करें, जल्दी करें, क्योंकि यहाँ पे 40 से 50% ज़मीन सर ने कह दिया बिक चुकी है और 40 से 50 यहाँ बिकी बची भी है, ऐसा ना हो काफ़ी आगे जाना पड़े आपको। तो जल्दी करें और आज ज़मीन को लें और अपने नाम कराएं और अपने बच्चों के लिए कुछ करके करें। चलिए दोस्तों, आज मेरी ये जेवर से वीडियो थी, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।